नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की दो बातें, और इस वीडियो को पूरा अंत तक सिर्फ इसलिए देखिए ताकि आप समझ पाए विधानसभा में स्पीकर का काम, राज्यपाल का काम, विपक्ष का काम, और आप समझ पाए कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे आता है, इसमें मंत्रिमंडल यानी कि मोदी जी की पूरी टीम और राष्ट्रपति, ये पूरी चीजें लिंकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश से, है ना। दो दो चीजें जो उन्होंने कही है, देखिए पहली तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि आपने सुना था ना, कोरोना पॉजिटिव मामले में जो जांच होती है, जो टेस्टिंग होती है, उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले फ्री करने के लिए कहा था, लेकिन अब उन्होंने उसमें इम्प्रोवाइज कर दिया, उसे रिवाइज कर दिया, और अब ये कह दिया है सिर्फ उन्हीं लोग की फ्री में टेस्टिंग होगी कोरोना की जो लोग आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और दूसरे उनकी होगी जो लोग आते हैं आरोग्य संजीवनी योजना के तहत, है ना। तो अब इनमें इन दो चीजों में जो लोग आते होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री है, बाकी सब से लिए जाएंगे पैसे। ये एक न्यूज थी, एक खबर थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में बताया भी था कि उस समय पहले ये सबके लिए मुफ्त किया था, लेकिन अब उन्होंने रिवाइज कर लिया, अब सिर्फ ये बिलो पॉवर्टी लाइन और आरोग्य संजीवनी योजना के तहत जो आता है सिर्फ उन्हीं को होगा। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जो सबसे अच्छी बात कही है वो कही है राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के लिए, राज्यपाल से जुड़ी हुई है। तो अब इस बात को जो उन्होंने कहा है वो मैं बाद में कहूंगा आपसे, पहले मैं आपको थोड़ा सा घटनाक्रम समझा देता हूँ ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है राज्यपाल के लिए वो समझ में आ जाए। आप इसे एक तरह से पॉलिटी का लेक्चर समझ लीजिए, है ना, कि आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है, बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप ये चीज समझ पाए, ये आपके सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम वाइज सब में काम आएगा। देखिए आपने सुना ही है कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक उलटफेर हुआ राजनीतिक तौर पे मार्च में, और वो होली के दिन ही आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कांग्रेस में थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया एकाएक, है ना, और इस्तीफा दे करके वो आ गए भाजपा में, है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात नोट ये कीजिएगा, कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये दल बदल कानून का नहीं हुआ क्या, क्या उन पर ये कानून लागू नहीं हुआ क्या। नहीं, देखिए दल बदल कानून जो है सिर्फ उन्हीं पर लगता है जो लोग इस्तीफा नहीं देते हैं और फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहले इस्तीफा दिया है और उसके बाद उन्होंने दूसरा दल ज्वाइन किया है, इसलिए इसमें दल बदल कानून नहीं आता है ना, ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा तो ये तो इनकी, इसमें एक चीज क्या हुई है कि जब वो इस्तीफा दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो उनके साथ साथ 22 एमएलए मध्य प्रदेश के विधानसभा के 22 एमएलए जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इस्तीफा देने के लिए जो है अपना कागज भेज दिया कि इस्तीफा दे दो। अब यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, वो काफी चिंता में आ गई कि अब क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हुआ ये कि जो 6 थे, 22 में से 6 के जो इस्तीफे थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन बाकी 16 के नहीं किए गए। तो अब आप बोलेंगे सर 16 के भी कर लेते क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो विधानसभा होती है ना, उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ये बात क्लियर है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, तो जब कांग्रेस जीती थी तो उसमें जो मुख्य दल के नेता बनकर के आए थे वो थे कमलनाथ जी, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक और चीज ध्यान रखिए कि ये जो बड़ा दल होता है जो मुख्यमंत्री जिसमें से निकल के आता है, जिस दल में से जो जीतता है उसी दल में से एक और को चुना जाता है और उसे बनाया जाता है उस विधानसभा का स्पीकर, है ना, स्पीकर महोदय जो बड़ी सी चेयर में बैठते हैं, अगर आपने टीवी में देखा हो, है ना, तो बड़ी चेयर में बैठते। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पीकर इस दल से ही निकल के आता है, यानी आसान भाषा में समझ लीजिए कि कांग्रेस का ही स्पीकर है और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के ही 22 बंदों ने इस्तीफा दिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हाँ स्पीकर का काम ये है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करे, लेकिन वो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो है जिस दल के, तो उस दल के प्रति थोड़ा तो उनका झुकाव हो गई होगा। तो बात ये थी कि जब 22 एमएलए निकल गए हैं तो अब इनको दिक्कत आ रही है, तो ये 22 एमएलए 6 के तो ले दे करके इनने इस्तीफे ले लिए, लेकिन अब 16 के कैसे ले ले भाई, अगर 16 के भी इस्तीफे ले लेंगे तो ये सरकार तो गिर गई ना, और स्पीकर तो नहीं चाहेगा कि भाई मेरा ही दल कमजोर पड़ जाए वहां पर, इसलिए वो ले नहीं रहे थे। अब दूसरे दल जो सामने दूसरा था यानी कि विपक्ष यानी कि भाजपा यानी कि शिवराज सिंह चौहान का जो दल था, तो अब स्पीकर तो बात नहीं मान रहा है क्योंकि वो हो गए, तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान अपने दल के साथ पहुंच गए राज्यपाल के पास। अब आप बोलेंगे सर यहाँ राज्यपाल क्यों आ गया भाई, तो थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, अपनी कहानी पे बने रहिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये करते हैं राष्ट्रपति, है ना, ये राष्ट्रपति करते हैं। अब है ना, तो कहने का मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं
राष्ट्रपति जितने भी नियुक्तियां करते हैं, है ना, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, किसी राज्य में कौन राज्यपाल रहेगा ये उनका काम है, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, उन वो जिसकी सलाह पर काम करते हैं वो होती है मंत्रिपरिषद, और ये मंत्रिपरिषद कौन है, मोदी जी की गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि अंततः में, है ना। और हाँ, राष्ट्रपति जी बाध्य हैं मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए, ये भी क्लियर रखिए अपने पास, यानी कि अगर मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कहा है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद है तो उन्होंने सलाह दी है कि भाई हमें ये बंदा चाहिए इस राज्य में राज्यपाल, है ना, तो राष्ट्रपति जी का काम है, अब सलाह ले लिया मानना ही पड़ेगा, तो वो उसकी नियुक्ति उस राज्य में कर देते हैं। तो आसान भाषा में आप क्या समझ पाए कि ये जो राज्यपाल है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है मोदी जी से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है केंद्र में उससे जुड़े हुए हैं। तो अब इसको थोड़ा समझिए, अगर ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं केंद्र वाले तो वो भाजपा है, और यहाँ विपक्ष भाजपा है, तो इंसान सबसे पहले उसी के पास जाता है जो लगता है कि अपना होगा, तो ये भाजपा थे तो ये पहुंच गए राज्यपाल के पास, राज्यपाल इन्हीं के हैं, आसान भाषा में मोदी जी के लगभग घूम फिर के अगर आप आओ तो इनके पास गए, तो राज्यपाल जी ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, कमलनाथ सरकार से ये कह दिया कांग्रेस से कि आप अपना बहुमत जो है तुरंत सिद्ध कीजिए, ये दिखाइए जल्दी से बहुमत करना कीजिए, और कमलनाथ जी जो है वो बोल रहे थे नहीं अभी बहुमत सिद्ध करने की बात ना की जाए। अब आप बोलेंगे क्यों ना की जाए, भाई कोई भी इंसान अपनी सरकार ऐसे ही जाने देगा क्या, वो टाइम लेना चाहते थे ताकि वो 16 के 16 MLA को मना करके उनसे बात कर करके वापस ले आए, उनकी सरकार बची रहे, इसलिए वो टाइम चाहते थे, लेकिन जो विपक्ष में आने की शिवराज सिंह चौहान तो टाइम नहीं चाहेंगे, उन्हें तो चाहिए कि ये टाइम ना ले पाए, तो वो राज्यपाल के पास चले गए, राज्यपाल ने जब ऐसा कहा और जब कमलनाथ जी नहीं माने यानी अभी इसकी बात नहीं की जाए, तो फिर ये चले गए, भाई ये मैटर को लेकर के जब नहीं मानोगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नहीं मान रहे हो मतलब राष्ट्रपति की नहीं मान रहे हो मतलब केंद्र की नहीं मान रहे हो, है ना, तो मतलब यहाँ पर केंद्र और कमलनाथ जी थे राज्य के मुख्यमंत्री, तो केंद्र और राज्य में लड़ाई है ना, विवाद हो गया, और जब भी केंद्र और राज्य में विवाद होता है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही मामला जाता है, है ना, ये बात ध्यान रखिए, जब दो राज्यों में विवाद होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जब केंद्र और राज्य में विवाद होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में बहुत नीचे के मामले होते हैं, केंद्र और राज्य के मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिए, कहीं आपके मन में आ जाए कि सर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, तो नहीं, जब केंद्र और राज्य और राज्य राज्य की बात होगी तो आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। तो भाई अब कमलनाथ जी यानी कि अब उस समय के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान दोनों के दोनों अब वहां पर पहुंच चुके सुप्रीम कोर्ट में यही बात लेके कि जो है हमें सिद्ध करना है बहुमत। तो अब वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है तो कमलनाथ जी ने यही कहा कि अभी बहुमत सिद्ध करने की बात ना की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए सीधे कह दिया कि भाई राज्य तो चलाना पड़ेगा, है ना, और हम इसके लिए रुक नहीं सकते, तो आपके पास सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे में आपको जो है अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ये क्लियर होगी बात, है ना। तो अब जब उनसे ये बात कह दी कि सिद्ध करने के लिए, तो उन्होंने सिद्ध करने की बजाय इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब टाइम है नहीं, 24 घंटे में वो मानेंगे है नहीं, है ना, वो 16 जो विधायक उन्हें अब मतलब उनको ले दे करके मना के वापस नहीं लाया जा सकता था, इसलिए उन्होंने समझ गए थे कि अब सरकार नहीं बचेगी, तो उन्होंने अपने आप ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और फिर राज्यपाल ने जो दूसरा दल था यानी शिवराज सिंह चौहान जो बड़ा दल था, अब जो वही बड़ा दल बचा, जब इनके विधायक चले गए 16 तो इनके तो आदमी कम हो गए, तो इनकी ज्यादा बचे, तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसे बुलाते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान गए, और कौन बुलाता है, राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल जो है इनको आप शपथ दिला देंगे कि अब आपसे मुख्यमंत्री हो, तब से हमारे पास शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने देखा ना कि इस घटनाक्रम में राज्यपाल ने पहले ही कह दिया था कमलनाथ जी को कि आप अपना जो है बहुमत सिद्ध कीजिए, लेकिन नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कह दिया कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन जारी कर दी, उसने कहा कि राज्यपाल को पूर्ण अधिकार है कि वो सरकार से जो तत्काल रूप से सरकार है, अगर उसके साथ ऐसा होता है कि उसके MLA जाते हैं, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार से कह सके कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ये कहते ही आई है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए विधानसभा के फ्लोर पर, अंदर की तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बाहर डिसाइड कर लें कि अब ये बहुमत में है कि कौन किसकी तरफ है, नहीं, वहां जाइए विधायक जितने भी हैं उनकी वोटिंग कराइए और देखिए कि किसमें ज्यादा हो गए किसमें कम हो गए और उस हिसाब से ये सब चुना जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है कि ये चीज सड़क पे नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सो कॉल्ड पॉलिटी का लेक्चर काफी कुछ समझ में आया होगा, काफी सारे कनेक्शंस आपने देखे यहां वहां से घूम फिर के, है ना, तो ये राजनीति है, इसे पॉलिटी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों में भी ये चीज फॉरवर्ड करिए, अगर ये ज्ञानवर्धक आपको लगता है, आपको लगता है कि इसमें नॉलेज है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
है ना, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनमें जाकर के इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, वो भी समझ पाए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में और उसका इस्तेमाल कर पाए अपने एग्जाम में। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब द चैनल है ना, एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।